हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हरियाणा लोक सेवा आयोग के अंदर पूछे गए क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चूंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्तियां निकाली गई थी और इसके जो परीक्षा है वह शीघ्र ही आयोजित होने वाली है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग में 2001 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या उसका आंसर है वो हम देखेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो ये है कि अभिपत्ति के चूर्ण का मुख्य घटक क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो निशोत है। संजीवनी वटी में पाए जाने वाले विष हैं वत्सनाव और भल्लातक। वासा श्रेष्ठ है रक्तपिथर द्रव्यों में। नाड़ी परीक्षा का प्रथम विशद वर्णन मिलता है सारंगधर संहिता में। कफ का संशोधन काल है वसंत में। धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल आरोग्य। रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म गुण किस दोष के हैं वात के हैं। महाभूत का उत्पत्ति क्रम ख वायु अग्नि आप और क्षिति। चरक अनुसार गर्भावस्था के किस मास में गर्भ की उत्पत्ति होती है तो चतुर्थ मास में। गहराई में भक का प्रमाण कितना होता है 12 अंगुल। पर ओज का प्रमाण होता है अष्ट बिंदु। सुसुत अनुसार अस्थि की संख्या होती है 300। सुसुत के अनुसार त्वचा के भेद हैं 7। सुसुत के अनुसार रस से सुक निर्माण काल होता है 30 दिन में। प्लीहा वृद्धि किस धातु के क्षय का लक्षण है तो मेद क्षय का। संधियों में क्रेपिटस का लक्षण मिलना किस प्रकृति के पुरुषों का है वात प्रकृति। सुसुत अनुसार मान्य धातु पोषण न्याय है खले कपोत और केदारी कुल्या। किसका दुग्ध जीवनी ब्रीहणी और चक्षु से माना गया स्त्री दुग्ध। ओज की गंध होती है लाजा गंधी। निमि ने कितने वीर्य माने हैं 15 माने हैं। सालमली पुष्प का वर्ण होता है रक्त वर्ण का। कौन सा रस अरित्की में अनुपस्थित होता है लवण रस। बिल्व किस अवस्था में ग्राह्य है कच्ची अवस्था में। सुरंजान किस व्याधि की प्रसिद्ध औषधि है वातक की। बर्बरीन किस वनस्पति में पाया जाता है गुरुची और दारू हरिद्रा में। चक्र लक्षणिका किसका पर्याय है गुरुची का। रसांजन किस औषधि से बनाया जाता है दारू हरिद्रा से। आरोग्यवर्धिनी वटी का मुख्य घटक है कूट की। बेलाडोना का पुतली पर प्रभाव होता है पुतली विस्फारक। पांडु रोग में मुख्य दोष है साधक पित्त। पांडु रोग के अत्यधिक पैतिक आहार सेवन से कौन सा रोग होता है कामला। आगे देखिए क्वेश्चन है योनि व्यापद में किस दोष का प्राधान्य होता है वात। चरक अनुसार योनि व्यापद की संख्या है 20। पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु का भार होता है 2.5 से 4 किलो। सौभाग्य सुंठी पाक का रोगाधिकार है सूतिका रोग। योगराज का रोगाधिकार है पांडु। लाई चूर्ण का रोगाधिकार है अतिसार। मेद द्रवों में श्रेष्ठ है शंखपुष्पी। शिलाजूत के सेवन काल में पत्ते कुलत्तोर विदाही अन्नपान। प्रभाकर वटी का रोगाधिकार है हृदय रोग। पित्तज बगंदर का नाम है उष्टग्रीव। प्रवेह किस प्रकार की व्याधि है संतर्पणोत्थ। सुश्रुत अनुसार रक्तरोधक उपाय हैं स्कंदन संधान पाचन और दहन। अर्ज की श्रेष्ठ औषधि है तक्र। दूध के साथ किसका सेवन वर्जित है मत्स्य रसोन और जम्बू का। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रोन। रिस्ट ड्रूप इज ड्यू टू रेडियल नर्व पाल्सी। त्रिभुवनकर कृति रस का भावना द्रव्य अदरक तुलसी और धतूर पत्र का स्वरस। षठ क्रिया काल किस आचार्य का अवधान है सुश्रुत का। सुश्रुत अनुसार कुष्ठ की संख्या है 18। स्नेहन कर्म किस दोष हेतु श्रेष्ठ उपक्रम है वात व्याधि का। हृदय किसका स्थान है साधक पित्त अवलंबक कफ और ओज का। बाकुची का मुख्य रोगाधिकार है कुष्ठ। सुभ्रा किस परपटी का मुख्य घटक है श्वेत परपटी का। उदर रोग में स्रोत दुष्टि होती है श्वेत और अंबुवा स्रोतस की। गंध तेल का रोगाधिकार है भग्न। मक्कल शूल किस अवस्था में होती है सूतिका अवस्था में। जज्जट द्वारा चरक पर लिखी गई टीका का नाम है निरंतर पद व्याख्या। अमृता किसका पर्याय है गुरुची का। तो ये जो क्वेश्चन है वो हरियाणा लोक सेवा आयोग 2001 में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी में पूछे गए हैं। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट फॉर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई है। यदि आप लोग को ये पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी लोग आपके मित्र गण जो चिकित्सा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को क्वेश्चन पेपर को देख सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।